लाइनमैन दोकड़े के लिए और बागदांडे के आगे और सामने खेलना होगा। और उनके पास 6-7 बल्लेबाज काफ़ी तूफान बल्लेबाजी करने के लिए फेमस बल्लेबाज हैं, और उनके लिए ये चुनौती उतनी चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि उनका बल्ला चल रहा है, उनके सब दाव पे चल रहा है और उनका सब कुछ यहाँ पर मैदान में अच्छा हो रहा है, कारगर साबित हो रहे गेंदबाज बल्लेबाज। हालांकि पहले मैच में उनको मात्र 19 रनों का टारगेट मिला था और उन्होंने बड़े आसानी के साथ इस मैच को जीता था। उसके बाद मैदान पर दूसरा मुकाबला उनको खेलना है अपोजिट टीम दिलदार बागदंड के सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक एक मैच का जो पहला राउंड है वो 5 ओवर का रहेगा और उसके बाद दूसरे राउंड का मुकाबला, हर मुकाबला आपको 4 ओवर का खेलना पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, आयोजकों ने अभी भी मुझे कान पे बताया जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक और पावर प्ले रहेगा, जब 4 ओवर का मैच रहेगा तो, और 5 ओवर का मैच रहेगा पहले राउंड का, तो उसमें 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा और उसमें आपको इस तरह से इस फॉर्मेट पे खेलना पड़ेगा। 4 ओवर का मैच है, सेकंड राउंड का मैच होने के कारण यहाँ पर 4 ओवर का मैच संभवतः कायम है और उस पर दोनों टीमें अमल करेगी, कोई शक की गुंजाइश नहीं। टॉस जीता दिलदार बागदंड ने तुरंत फैसला किया फील्डिंग करेंगे और बल्लेबाजी का शानदार मौका मिला है जयंत मंदोकड़े के रफ एंड टफ बल्लेबाजों को। यहाँ पर कुन्नत तोड़न का रूप केटी और पंकज भगत दोनों ही फॉर्म में बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज है, और दोनों इनफॉर्म बल्लेबाजों को ओपनिंग कैसे करनी है, पावर प्ले में कैसे स्ट्रोक लगाने, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है और जानकारी के मुताबिक उनके बल्लेबाजी मैदान पर कैसी रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जयंत मंदोकड़े बनाम दिलदार बागदंड के बीच ये मैच जारी होने वाला है। टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग बॉलिंग करेगी दिलदार बागदंडा, बागदंडा के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास अभी आए हैं, उनसे गुजारिश है कि अपना 12वां नंबर का खिलाड़ी हमारे पास भेजे, कमेंट्री बॉक्स में हमारी सहायता करे, ये आपसे गुजारिश होगी। हमारे स्कोरर हमारे अगल बगल में बैठे हैं सुमित पाटिल, इसी बागदंडा से बिलोंग करने वाले ये अच्छे स्कोरर हमारे साथ बैठे हुए, उनका स्वागत। और चलते हैं मैदान पर जहां पर बड़े मुकाबले की तैयारी, सेकंड राउंड का मैच है, 4 ओवर रहेंगे, 1 ओवर का पावर प्ले, इस तरह से बल्लेबाजों को मौका रहेगा शानदार, जब तक फील्डर 30 गज के दायरे में है बड़े शॉट खेलने का शानदार मौका। अंपायर का इशारा, मैच की शुरुआत, मैच इज ऑन। पहली गेंद केटी ने इस गेंद को छोड़ दिया, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद, अंपायर ने देखा, हाथों को फैला दिया, इशारा बताया इट्स अ वाइड बॉल का, और पहली यहां पर रन अतिरिक्त स्वरूप स्कोर बोर्ड पर आती हुई जयंत मंदोकड़े के लिए पहला रन प्रॉफिटेबल रहा। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद, सीधे सीमा रखे गए बाहर, 6 रन डीजे। डीजे फंटास्टिक स्ट्रोक, काफी बढ़िया टाइमिंग और फुटवर्क का सही इस्तेमाल, इरादा भी बहुत ही ठोस और बहुत ही शानदार शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पहला बड़ा शॉट 6 रन के लिए। धमाकेदार एंट्री बल्लेबाज कुंदन तोड़नकर की उर्फ केटी की, उसके बाद शॉट लग गया लेकिन यहाँ पर ताकत नहीं, गेंद बैट के किनारे लगी और विकेट कीपर ने अगला काम पूरा किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ मात्र 7 रन। पहली गेंद वाइड, उसके बाद छक्का, उसके बाद डॉट बॉल, इस तरह से गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान पर बागदंडा की तरफ से। चारुदत्त गेंदबाज है और चारुदत्त की ये गेंद भी डॉट कहलाएगी, क्योंकि छक्का खाया, वाइड बॉल करी, डॉट बॉल किया, उसके बाद फिर डॉट बॉल, इस तरह से ये बॉलिंग एनालिसिस आपको नजर आता हुआ। दिलदार बागदंडा के जो गेंदबाज है जिनका नाम है चारुदत्त, हमेशा पहले ओवर करते हैं, पावर प्ले में ओवर करना काफ़ी आसान रहता नहीं, कभी बहुत ही चैलेंजिंग रहता है और इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है गेंदबाज को। बल्लेबाज अपने तेवर में खड़े हैं, यहाँ पर शॉट लग गया लेकिन नुकसान का सामना करना पड़ा बल्लेबाज को। डीजे Thank you.
थैंक यू डीजे। केटी का शॉर्ट सिलेक्शन खराब रहा और उसका भुगतान देकर कैच देकर मैदान से वापस लौटते हुए बल्लेबाज कुंदन और उसके बाद मैदान पर करण म्हात्रे जाने को तैयार है। 6 फुट लंबाई के खिलाड़ी, लंबे कद के ये जो मालिक बने बैठे हैं करण म्हात्रे। और करण म्हात्रे ने पिछले 3 साल से बल्लेबाजों ने बहुत धमाका किया, जहाँ पर अलीबाग की टीम हो, थल की टीम हो, नौगांव की हो, कोई भी टीम हो, उसके सामने उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अपने टीम के लिए बहुत कारगर बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन किया उत्तेजित होकर। अगली गेंद और पंकज भगत खेलना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, इस तरह से शॉट भी खेलना चाह, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं। अगला काम पूरा किया विकेट कीपर ने, रन की कोई संभावना नहीं। टीम का उसको रुका हुआ अभी तक 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। कुंदन ने अपना विकेट खोया, उसके बाद जिम्मा संभाला है पंकज भगत। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर करण म्हात्रे, इस बार क्लीन बॉल डीजे। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। स्टंप खुले छोड़ दिए और उसका नतीजा बल्लेबाज के खिलाफ जा चुका है और बल्लेबाज साफ बोल्ड हो गए और इस तरह से दूसरा विकेट खो दिया जयमान धोकड़े टीम ने। पहले मैच में कुछ अलग सा पिक्चर नजर आया था, इस मैच में उनका प्रतिद्वंद्वी काफी शानदार गेंदबाजी करता हुआ और अब तक उन्होंने 2 विकेट स्कोरबोर्ड के ऊपर झटका है। पहले कुंदन को आउट किया, उसके बाद मैदान से पंकज भगत वापस लौटे क्लीन बोल्ड होकर और उसके बाद मैदान पर करण म्हात्रे के साथ होंगे उनके टीम के होनहार बहुत ही तजुर्बेकार बल्लेबाज स्वप्निल म्हात्रे। दोनों बल्लेबाज लंबे कद के हैं और लंबे कद के होने का फायदा भी उठा लिया जाता है उनसे। और 4 ओवर का मैच है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहेगा रनों को अधिक से अधिक बनाने का, और अधिक रन बनाए जाए तो दोस्तों मुकाबला बहुत ही रंगीन संगीन होगा, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है दोस्तों 7 रन और 2 विकेट के समाप्ति के बाद। नए ओवर की तैयारी, नए ओवर के लिए नए गेंदबाज मैदान पर लाए गए हैं और उनका नाम है दोस्तों साहिल। साहिल के ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि पहले गेंदबाज उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, मात्र 7 रन खर्च किए और बड़े 2 विकेट फ्रंट लाइन के झटके, और अब जिम्मा बनता है गेंदबाज साहिल का कि वो भी ऐसा ही कारगर साबित होए और गेंदबाजी में अपना प्रोग्रेस बढ़िया करे। पहली गेंद दूसरे ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर स्वप्निल ने कारपेट के सहारे गेंद को धकेल दिया, लॉन्ग ऑफ में काफी बढ़िया फील्डिंग, 1 रन यहाँ पर बनता नजर आया। टीम का स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत तो नहीं कहूँगा मैं जयमान धोकड़े की, क्योंकि जिस तरह से उनके बल्लेबाजी में उनका प्रोग्रेस है, उनके बल्लेबाजी में जो शानदार प्रदर्शन करने का एक हिम्मत वाला उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, उसमें आज थोड़ा सा ढीलापन नजर आए, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं। मुकाबला पूरी तरह से 4 ओवर का रहेगा, पूरा मौका है उनको। यहाँ पर स्वप्निल का बहुत ही तूफान शॉट, बाउंड्री के बाहर 6 रन। बाउंड्री के ऊपर से ओवर दो, बढ़िया फायर किया गेंद को और फायर के साथ यहाँ पर स्वप्निल म्हात्रे ने अपना बल्लेबाजी का रुख यहाँ पर बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाई है कि मारेंगे अपने दम पर, आएंगे अपने दम पर, खेलेंगे अपने दम पर, मारेंगे अपने दम पर और स्कोर बड़ा विशाल खड़ा कर देंगे, ऐसी सोच उनकी। यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क, विकेट कीपर ने गेंद को रोका लेकिन थ्रो अच्छा नहीं, गेंद को रोका बढ़िया तरीके से लेकिन थ्रो अच्छा नहीं। आप एक काम अच्छा करते हो तो दूसरा बिगाड़ देते हो, इसमें आपका नुकसान हो जाता है। इस तरह से रन संख्या में वृद्धि, 1 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जयमान धोकड़े टीम इस वक्त मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद अब करण म्हात्रे सामना करेंगे, जो अच्छे बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज है और उनके ऊपर रन बनाने की जिम्मेदारी। अगली गेंद साहिल की, गेंद को खेला कवर क्षेत्र में, फील्डिंग किस प्रकार से होती है देखना होगा और अच्छी फील्डिंग, 1 रन यहां पर बनता हुआ, टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जयमान धोकड़े टीम
जयमंद उकड़े ने 2015 की प्रतियोगिता नाइट टूर्नामेंट में रनर अप रहने का एक अच्छा अवसर हासिल किया था और अलीबाग तालुका की बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने परास्त किया था और उस मुकाम पर पहुंचे और रनर अप रहे थे। यहाँ पर स्वप्निल का बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन गेंद आउट ऑफ द बाउंड्री, फैंटास्टिक शॉट, इट्स अ फोर। दोस्तों 20 रन हो चुके हैं, एक छक्का एक चौका। बल्लेबाज यहां पर स्वप्निल महात्रे ने खेला, मिड विकेट की दिशा में उन्होंने शॉट को टारगेट किया और इस गेंदबाज को अपने रडार पे लिया और रडार पे लेने के बाद बल्लेबाज यहां पर खूब धुआंधार बैटिंग करता हुआ और गेंदबाज के यहां पर छक्के छोड़ाने को तैयार है। अगली गेंद, यहां पर एक और बड़े शॉट की तैयारी, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। थैंक यू डीजे। 26 रन, दो छक्के एक चौका, इस तरह से बल्लेबाजी का प्रदर्शन स्वप्निल महात्रे के बैट से निकले ये तूफानी शॉट्स और इसी के चलते मैदान में शुरू में देखे पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने, लेकिन दूसरे ओवर में शायद मार खाना था सो खा लिया और बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर रन बटोरने का प्रयास किया। उसमें स्वप्निल महात्रे का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक रहा, उसमें उन्होंने 2 छक्के एक चौका, यानी कि अभी तक उन्होंने 11 रन की पारी, 15 रन की पारी खेली है, 17 रन की पारी खेली है। दोस्तों हमारे स्कोर हमसे बताते हुए कि 17 रन उन्होंने बनाए, 2 छक्के एक चौका उन्होंने जड़ दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, मैंने टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए बल्लेबाज स्वप्निल महात्रे। स्ट्राइक पर खेलेंगे करण महात्रे, गेंदबाजी के मोर्चे पर आएंगे तीसरे गेंदबाज जिनका नाम है अनिश। अनिश के ऊपर भी दबाव रहेगा क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरह से जोश के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार गेंद को खेला कवर क्षेत्र में, फील्डर उसके पीछे भाग रहे, एक रन पूरा, दूसरा रन भी शायद पूरा होना है और 2 रन पूरे, 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर जा चुका है 29 रन, 29 रन। नो बॉल का इशारा, अंपायर ने यहां पर नो बॉल का इशारा किया, हमारे बहुत ही जाने माने अंपायर मुंबई से बिलोंग करने वाले डॉक्टर अकबर मनियार और संदेश किस्मत्रो, दोनों का हम काबिले तारीफ फील्डिंग यहां पर अंपायरिंग का जिम्मा संभालते देख रहे उनको। और यहां पर सटीक लाइन की गेंदबाजी, अनुशासन की गेंद, बहुत ही बढ़िया तूफान बल्लेबाजों के खिलाफ प्रदर्शन करना गेंदबाज को आजकल ठीक तरह से आता नहीं, सीमेंट विकेट है और गेंद सीधे बल्ले पर आती है और बल्लेबाज धुआंधार शॉट खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां पर चूक गए, चक गए बल्लेबाज, वापिस लौटेंगे मैदान से, करण आउट। करण आउट हो गए, तीसरा विकेट खो दिया जयमंद धोकड़े टीम ने और 3 विकेट के बाद स्कोर हो चला है दोस्तों 29 रन। इस तरह से यहां पर रन बन रहे हैं, शुरुआत में पहले ओवर में रन नहीं आए थे, उसके बाद दूसरे और तीसरे ओवर में रन आ रहे हैं, लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं। लेकिन अब मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी को थोड़ा सा चौकन्ना होकर बैटिंग का प्रदर्शन करना होगा। स्वप्निल के साथ अभी गए उनके नए पार्टनर करण तोड़नकर, बहुत फॉर्म में है बल्लेबाज, मैंने उनको देखा था कि वो हसूरा के मैदान के ऊपर जो प्रतियोगिता रही थी उसमें उन्होंने 111 रनों की लंबी पारियां खेली थी और तकरीबन 9-10 विकेट भी उन्होंने बोर्ड के ऊपर चटकाए थे, ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी स्ट्राइक पर मौजूद। यहां शॉट खेल दिया, गेंद आ रही है सीमा रेखा के पार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, 6 रन डीजे। थैंक यू डीजे। बहुत कम उम्र में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट कैसे खेलना सीखा है, बड़े शॉट लगाते हैं, टाइमिंग बढ़िया करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। यहाँ पर चूक गए, लाइन और लेन को भापने में यहाँ पर कामयाब नहीं हुए और उसका नतीजा यहाँ पर डॉट बॉल के साथ खत्म हो गया और यहाँ पर रन संख्या है अभी तक 35 रन्स, 35 रनों में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 छक्के और एक बाउंड्री लगी है धोकड़े के लिए। यहाँ पर खराब गेंद, लाइन और लेन से भटके गेंदबाज यहाँ पर अनिश
और इसका भुगतान देना पड़ा है। वाइड बॉल के साथ एक बोनस रन बेनिफिट मिल चुका है धोकड़े टीम को और टीम का स्कोर बढ़कर जा चुका है दोस्तों 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद अनिश के द्वारा राइट अप ओवर द विकेट, यहाँ पर अच्छी शॉट, फुटवर्क अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फुटवर्क, मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग बहुत ही शक्तिशाली और वहाँ पर फील्डिंग के साथ साथ थ्रो भी अच्छा। एक रन यहाँ पर मिलेगा और टीम का स्कोर बढ़कर जा चुका है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस हारी और बल्लेबाजी का न्योता उनको दिया विपक्ष टीम ने और यहाँ पर बल्लेबाजी 37 रनों की। स्वप्निल म्हात्रे खेल गए, गेंद आ रही है धीरे धीरे सरकती हुई मिड विकेट की दिशा में, फील्डिंग काफ़ी बढ़िया, एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। ओवर थ्रो हो रहा है यानी उसके ऊपर ध्यान दे रहे बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर मैनेज किया गेंद को, स्टॉप किया और इसी के साथ एक रन पूरा। इसी के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी और टीम का स्कोर 38 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर समाप्त, 38 रन 3 विकेट्स, इस तरह से बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस जयमन धोकड़े ने कर दिखाया। अभी एक ओवर शेष है और एक ओवर में मानो स्लॉग ओवर में तो गेंदबाजों को फटके पड़ने होते हैं, मार खानी होती है और स्लॉग ओवर मानो उसी के लिए दिया जाता है कि बल्लेबाज उसके ऊपर कारगर साबित हो, उसका एडवांटेज उठाए और रनों की गति को बढ़ाए, स्कोर 50 के पार करें, ऐसे ही उनकी सोच होगी जयमन धोकड़े की। और इस सोच के ऊपर खरे उतरते हैं या नहीं ये तो दोस्तों देखने की आवश्यकता, ओनली टाइम विल बी से, समय बताएगा कि मुकाबला आगे कैसे बढ़ेगा। अंतिम ओवर रहेगा, अंतिम ओवर में गेंदबाज भावेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। भावेश के ऊपर रन रोकने की जिम्मेदारी है, बल्लेबाज तूफान फॉर्म में नजर आ रहे स्वप्निल म्हात्रे। इस बार स्वप्निल का शॉट सीमा रेखा के पार, 6 रन। थैंक यू डीजे। 3 छक्के और एक बाउंड्री के साथ साथ 24 रनों पर नॉट आउट पारी खेल रहे स्वप्निल म्हात्रे, बहुत ही कूल मैन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रहता है उनका, उनके जोड़ीदार के साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग रहता है और बॉन्डिंग के चलते दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को खूब समझते हैं और बल्लेबाजी का भरपूर आनंद लुफ्त उठाते हैं। ऐसे बल्लेबाज दोनों एंड के ऊपर खड़े हैं। स्वप्निल म्हात्रे आज जोर में है, स्वप्निल म्हात्रे आज बहुत ही अच्छे तेवर के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, मार रहे धुआंधार बल्लेबाजी। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद अनएक्सपेक्टेड बाउंस मिला, रन की कोई संभावना नहीं, अगला काम पूरा किया विकेट कीपर ने और रन संख्या भी देख सकते हैं दोस्तों 44 रन्स बोर्ड के ऊपर। 3 विकेट के बाद बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला है कंधों पे स्वप्निल म्हात्रे ने और आज थोड़े उग्रवादी बन के बल्लेबाजी कर रहे, बहुत अच्छे शॉट लगा रहे। ये शॉट बॉल ऑफ स्टंप, ज्यादा बाहर, अंपायर के हाथ फैले, इशारे का किया वाइड का, वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के साथ, टीम का स्कोर 45 रन। अच्छी रन संख्या बनने की उम्मीद यहां पर बढ़ती हुई, 3 विकेट 45 रन, बहुत ही अच्छा मैच जारी है और बल्लेबाजों ने खूब पिटाई की गेंदबाजों की। अगली गेंद यहां पर शॉट खेला, शायद कैच होगा और कैच, स्वप्निल बैक टू द पैवेलियन, विकेट नंबर 4 डाउन। हेलो, रन संख्या 45 पर 4th विकेट चला गया, स्वप्निल म्हात्रे धुआंधार बल्लेबाजी कर वापस लौट रहे मैदान से, लेकिन मायूस होने की कोई बात नहीं क्योंकि उन्होंने अपना जिम्मा बहुत अच्छी तरह से निभाया और अच्छे शॉट लगाए। तकरीबन उनकी जो पारी रही वो 24 रनों की रही और उन्होंने 3 छक्के 1 चौका लगाया और अपने पारी को अच्छी तरह से सजाया। फैंटास्टिक बल्लेबाजी बाय स्वप्निल म्हात्रे, मैन फ्रॉम धोकोड़े। उसके बाद मैदान पर प्रणीत भगत 9 स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर करण, गेंद को फिर एक बार अच्छा बाउंस मिला है, ज्यादा रफ्तार के साथ गेंद नहीं कर रहे गेंदबाज इस वक्त भावेश। 1 छक्का जरूर इस ओवर में खाया, 1 वाइड बॉल करी, तकरीबन 2 डॉट बॉल और बहुत अच्छी विकेट भी उन्होंने हासिल करी इस ओवर में। भावेश फिर एक बार, भावेश की गेंद को बहुत ही बढ़िया फुटवर्क, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, फैंटास्टिक शॉट।
थैंक यू डीजे। देखिए जोश और होश का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना है बल्लेबाज करण टोडन करने, फैंटास्टिक बल्लेबाजी, सुपर बैटिंग एंड एल्सो क्लास बैटिंग, झकास बैटिंग, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन। इसके बाद चूक गए, गेंद को लंबाई को भाप नहीं पाए, बाउंस को भाप नहीं पाए और यहां पर पारी की समाप्ति हो जाएगी, 4 ओवर समाप्त, विकेट का खतरा और इसी के साथ करण आउट। 5 विकेट के नुकसान पे दोस्तों स्कोर है 51 रन, 52 रनों का टारगेट सामने होगा दिलदार बागदांडे के सामने, यहां पर 52 रनों का टारगेट रहेगा, 24 गेंदे और रन बनाने हैं 52, तो ये मैच कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे मुकाबले में इंटरेस्ट होगा और आपके साथ कैसा मनोरंजन होगा, ये बातें थोड़ी देर के बाद जानना हम उचित समझते हैं। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, एक थोड़ी देर के बाद वापस लौटे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डीजे। अपन पाहतो आहे दुसऱ्या फेरीतला सामना, जयनमान धोकडे वर्सेस दिलदार बागदांडा या दोन संघादरम्यान। प्रथम फलंदाजी करताना जयनमान धोकडे संघ किती वाटलं 51 धावा केल्या होत्या आणि 52 धावांचं एक भलं मोठं लक्ष ठेवलंय ते म्हणजे दिलदार बागदांडा समोर, कशा प्रकार हे आव्हान पूर्ण करतात दिलदार बागदांडा संघ पाहायचा आहे। दुसऱ्या पेदीत सामना पाहतोय आपण जयनमान धोकडे वर्सेस दिलदार बागदांडा या दोन संघादरम्यान। लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, माझी विनंती असेल जयनमान धोकडे संघाच्या कर्णधाराला की लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। तसेच सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय दिलदार बागदांडा संघाकडून, चारू दत्ता आणि साहिल एक दोन्ही विस्फोटक फलंदाज आपण पाहतोय दिलदार बागदांडा संघाचे। पहिलीच मॅच आपण पाहिली होती, एक मोठं आव्हान असताना सुद्धा सहजरित्या आव्हान पूर्ण केलं होतं ते म्हणजे दिलदार बागदांडा संघाने, 69 धावांचं आव्हान ठेवलं होते जय शिरोबा चिंचवली संघाने, ते त्याने सहजरित्या पूर्ण केलं होतं। आता मात्र संघाचा विचार केला तर संघ दुसरा आहे, तो म्हणजे जयनमान धोकडेचा संघ, एक मोठं आव्हान त्यांच्या समोर असणार आहे। माझी विनंती असेल रियांश पाटील पुरस्कृत कोलेश्वरी भाग, तसेच स्मरणिका नौकार या संघाच्या संघनायकांना की नाणेफेकीसाठी यायचं आहे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी। रियांश पाटील पुरस्कृत कोलेश्वरी भाग संघाचा कर्णधार, तसेच स्मरणिका नौकार या संघाचा कर्णधार, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। आपण पाहतोय चालू असलेला सामना जयनमान धोकडे वर्सेस दिलदार बागदांडा या दोन संघादरम्यान। प्रथम फलंदाजी करताना जयनमान धोकडे संघाने 51 धावा केल्या होत्या, तसेच 52 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते म्हणजे दिलदार बागदांडा संघासमोर। आपण पाहतोय स्ट्राईक एंडला चारू दत्त, नॉन स्ट्राईक एंडला साहिल, प्रथम गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय मितेश तोडणकर ऑन द बॉलिंग मार्क। स्ट्राईक एंडवर असणार आहे चारू दत्त, पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू होता, स्ट्रेट ड्राइव पर खेळून काढला, चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या पार, चौकार।
थैंक यू डीजे पण पाहतोय पहिल्या चेंडूवर चौका ठोकलाय थोडंस मिस फिल्डिंग झाला होता आणि चेंडू सीमा पार झाला होता पुन्हा एकदा मितेशचा चेंडू जोरदार ठोकण्याचा प्रयत्न चेंडू आपण पाहतोय स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू आपण पंच सांगतायत की व्हाईट चेंडू अवांतर धाव संख्येचं खातं ओपन होत आहे धाव संख्येत एक ची भर पडलाय धाव संख्येत आपण पोहोचलाय पाच वर 52 धावांचं लक्ष समोर असताना मितेशचा हा चेंडू चालू दत्तला कट करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे असफल होत आहे चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही चेंडू जातोय निर्धाव आपण पाहतोय पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना आपण पाहतोय मितेश तोडणकर याला मितेश तोडणकरचा हा चेंडू सामना चालू होता चालू होता त्याने खेळून काढलाय बिग 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 सिक्सर थँक यू डीजे पण पाहतोय चारुदत्तचा ह्यूज अँड हँडसम सिक्स खरोखरच अप्रतिम फटका आपण पाहिला स्ट्रेट ड्राईव्ह पद्धतीने खेळून काढलाय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार पुन्हा एकदा मितेश काहीच दडपण असताना मितेश याच्यावर मितेशचा चेंडू चारुदत्तला फुट ऑफ पेचा चेंडू होता चेंडू खाळू खेळून काढलाय लेग साइड स्टेशन जातोय आपण पाहतोय एक धाव धावून घेतली दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण केली चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाजांमध्ये अशा तऱ्हेने धावसंख्येत दोनची भर पडलाय धावसंख्येत जाऊन पोहोचलंय 13 या धावसंख्येवर चांगली सुरुवात मी म्हणेन दिलदार बागदांडा संघाकडून आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाजांची चारुदत्त आणि साहिल मी ते चहा चेंडू चारुदत्तसाठी कट करण्याचा प्रयत्न जोरदार अपील सुद्धा होत आहे कटचा अपील पांचांकडे जोरदार अपील होत आहे परंतु कोणताही हादरा नाही दिलदार बागदांडा संघाला जोरदार अपील होता परंतु बॅट आणि बॉलचा काहीच संपर्क नाही अशा तऱ्हेने चेंडू जातोय निर्धाव पाणी घेऊन जायचंय ओके ओके पाहूया मी ते सहा चेंडू चारुदासाठी कट करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे असफलतोय चेंडू जातोय निर्धाव अशा तऱ्हेने एक षटकाचा खेळ संपतोय एक षटकाच्या खेळानंतर आपण पाहतोय 13 ही धावसंख्या झालेली आहे सरासरी माझ्या मते बरोबर आहेत चार षटकामध्ये 52 धावा करायच्या आहेत आणि 13 ची सरासरी राखली ती म्हणजे दिलदार बागडाच्या संघाने चालू असलेला सामना आपण पाहतोय दुसऱ्या फेरीतील दिलदार बागदांडावरचे जयनुमान धोकोडे या दोन संघादरम्यान प्रथम फलंदाजी करत असताना जयनुमान धोकोडे संघाने 51 धावा केल्या होत्या आणि 52 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते म्हणजे दिलदार बागदांडा संघासमोर त्यांची सुद्धा आता पाहतोय आपण चांगली सुरुवात झालेली आहे एका षटकाच्या समाप्तीनंतर कोणताही फलंदाजचा बाद झाला नाही 13 धाव संख्या झालेल्या आहेत दुसरं षटक घेऊन आलाय चर्मान धोकडे संघातर्फे करण तोडणकर पाहूया स्ट्राईक एंडवर आता मात्र असणार आहे तो साहिल साहिल आणि चारुदत्तची जोडी चांगल्या भन्नाट फॉर्म मध्ये आपण पाहतोय त्यांना पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती ती म्हणजे चारुदत्त याने मॅन ऑफ दी मॅच ठरला होता वैयक्तिक 45 धावा कुठल्या होत्या चारुदत्तने अप्रतिम फलंदाजी आपण पाहिली चारुदत्तची करण आपल्या बॉलिंग मार्कवर करणचा हा चेंडू साहिलसाठी चेंडू येतोय मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा होत आहे एकाच धावीवर समाधान मानावं लागतंय साहिल याला धावसंख्येत एकची भर पडलंय धावसंख्या जाऊन पोहोचलंय 14 या धावसंख्येवर आता मात्र येणाऱ्या षटकामध्ये नक्कीच मोठे फटके मारावे लागणार आहेत ते म्हणजे दिलदार बागदांडा संघाला एक मोठं आव्हान असणार आहे 52 धावांचं तर षटकार चौकारांची आतिषबाजी करावीच लागेल तितक्याच चांगल्या
पदाची गोलंदाजी सुद्धा आपण पाहतोय करण तोडणकर याचकडून पण पाहतोय। माझी विनंती असेल रियांशु पाटील पुरस्कृत कोलेश्वरी बाग संघाचा कर्णधार तसेच स्मरणिका नौका संघाचा कर्णधार दोन्ही संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचा आहे। लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे, कोणताही जास्त वेळ दौडायचा नाही आहे। माझी विनंती असेल पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार आपल्या बॉलिंग मार्कवर। हा चेंडू शॉर्ट पिच पाहिजे चेंडू होता, झेल होऊ शकतोय, चांगला झेल टिपलाय तिथे असलेले स्वप्नील। थैंक यू डीजे। आपण पाहतो चारू दत्तच्या स्वरूपामध्ये मोठा हादरा बसलाय तो म्हणजे दिलदार बागदांडा संघाला। आता नवीन फलंदाज आपण पाहतोय अनिश, नाणेफेक करून घ्यायचे आहे स्मरणिका नौकार वर्सेस रियांशु पाटील पुरस्कृत कोलेश्वरी भाग या दोन संघादरम्यान पुढचा सामना असणार आहे। त्याची नाणेफेक तुलसीदास पाटील यांच्या हस्ते होत आहे। आता मात्र गोलंदाज आपण पाहतोय कम बॅक करताना, पहिला हादरा बसलाय तो म्हणजे दिलदार बागदांडा संघाला चारू दत्तच्या स्वरूपामध्ये जोरदार मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये पूर्णपणे असफल झाला आणि सुंदर झेल टिपला होता तो म्हणजे स्वप्नील याने। पुन्हा एकदा करांचा चेंडू शॉर्ट पिपर चेंडू जोरदार मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय शॉर्ट लेग परिसरामध्ये, एक धाव धावून घेतील दुसरे धावचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट। आपण पाहतोय साहिल आणि अनिश यांच्या दरम्यान दोन धावा धावून घेतल्या, धावसंख्येत दोनची भर पडले, धावसंख्येत जाऊन पोहोचले 16 52 धावांचं लक्ष समोर असताना थोडीशी धीमी सुरुवात मी म्हणेन, मोठ्या फटक्यांपासून पूर्णपणे वंचित ठेवलंय ते म्हणजे करण तोडणकर याने, अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत त्याची, या षटकामध्ये एक विकेट सुद्धा त्याने प्राप्त केलेली आहे, तोच करण तोडणकर पाहूया। करणचा हा चेंडू वेगवान चेंडू, खरोखरच अप्रतिम गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावाली गोलंदाजी आपण पाहतोय करण तोडणकर याच्या मार्फत, अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय। लाईन आणि लेंथ जर पाहिली तर चांगली पद्धतीची होती या चेंडूवर आपण पाहिली करणची। पुन्हा एकदा करणचा हा चेंडू, सामना करेल साहिल, साहिल मिड ऑफ चेस खेळून काढाय चेंडू, एक धाव धावून घेतली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, एका धावेवर समाधान मानावं लागलंय साहिल याला, धावसंख्येत एक ची भर पडलंय, धावसंख्येत जाऊन पोहोचलंय 17 या धावसंख्येवर पाहूया। करणचा हा चेंडू अनिश साठी, अनिश ने ठोकलाय लॉन्ग लेगच्या वरून, इट्स अ बिग 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 सिक्सर। थँक यू डीजे। आपण पाहतोय षटक क्रमांक दुसरं संपलंय, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय 23 झालेली आहे, अप्रतिम असा षटकार ठोकला होता अनिशाने, पहिल्याच चेंडूचा सामना केला होता आणि पहिलाच चेंडू ठोकलाय तो म्हणजे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी, जणू काही तो वरूनच सेट होऊन आला होता अशा प्रकारची फलंदाजी त्याच्या मार्फत होताना आपण पाहतोय। पहिल्याच चेंडूवर 6 ठोकलाय, पाहूया तिसरा षटक घेऊन जनमन धोकडे संघाकडून आपण पाहतोय केटी कुंदन तोडणकर तिसरा षटक घेऊन आलाय,
पाहूया या षटकावर नक्कीच मोठे फटके मारण्याचे प्रयत्न करतील दोन्ही फलंदाज. येणारे 12 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. आता मात्र समीकरण बदललंय. येणारे 12 चेंडू आणि 29 धावांची गरज, पूर्णपणे जबाबदारी असेल साहिल याच्यावर. कुंदनचा हा चेंडू साहिल साठी, साहिल याने पॉइंटच्या वरून खेळू काढलाय, झेल होऊ शकतोय. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक यू डीजे. आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळवली ती म्हणजे कुंदन तोडण करणाऱ्याने. अप्रतिम गोलंदाजी, साहिल तंबूत परतलाय. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय भावेश केळसकर. कुंदनची अप्रतिम गोलंदाजी सुरुवात. कुंदनचा हा चेंडू अनुजसाठी, अनुजने टोकलाय, अनिशने टोकलाय. इट्स अ बिग सिक्सर. थँक यू डीजे. 1-4 नाही तर हा षटकार आहे. धावसंख्या 6 भर पडलंय. अनिश याने धावसंख्या जाऊन पोहोचलंय 29 वर. अप्रतिम आतापर्यंत फलंदाज आपण पाहतोय, 2 चेंडूवर 2 षटकार ठोकले अनिश याने आतापर्यंत. कुंदनचा हा चेंडू जोरदार ठोकण्याचा प्रयत्न अनिश याचा होता. आता मात्र चांगलं कमबॅक करताना आपण पाहतोय गोलंदाज केटीआला. जोरदार अपील सुद्धा होत आहे या चेंडूवर बाईचीचा, परंतु कोणता ह्यादरा नाही. अशा तऱ्हेने बाईच्या स्वरूपामध्ये रन येते. धावसंख्येत 1 भर पडले. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 30 वर. पाहूया कुंदनचा चेंडू भावेशसाठी. भावेशने खेळून काढलाय. भावेश चेल स्वरूपामध्ये बाद होतोय. फलंदाज बाद. थँक्यू डीजे. अप्रतिम गोलंदाजी कुंदन तोडण करायची. चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा आपण पाहिलं पॉइंट रिजन मध्ये. अप्रतिम असाल झेल टिपलाय आणि भावेशला तंबूचा रस्ता दाखवला होता तो म्हणजे कुंदन तोडणकर याने. अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत कुंदन तोडणकर याची. एक षटकार जरूर खाल्ला होता, परंतु आता मात्र कमबॅक करताना आपण पाहतोय कुंदन तोडणकर याला पूर्णपणे जबाबदारी असणार आहे ती म्हणजे अनिशवर. अनिश मात्र आक्रमक पवित्र धारण करून आलाय. आतापर्यंत 2 षटकार ठोकलेत अनिश याने. कुंदनचा हा चेंडू पाहूया. कुंदनचा हा चेंडू अनिशसाठी सुंदर फटका. इट्स अ ह्यूज सिक्स, बिग 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 सिक्सर. बॉल बॉल भाई. थँक यू डीजे. आपण पाहतोय धावपलक 6 उंचावलाय. धावपलक जाऊन पोहोचलाय 36 या धावसंख्येवर. अप्रतिम फलंदाजी आतापर्यंत हा अनिशाचा 3 षटकार आपण पाहतोय. 4 चेंडूचा सामना केलाय त्याने आणि 3 षटकार ठोकलंय. 4 चेंडूमध्ये वैयक्तिक 18 धावसंख्येवर खेळतोय अनिश. कुंदन तोडकरवर आता मात्र दबाव पाहतोय आपण. प्रेशर नक्कीच असणार आहे. कुंदनचा हा चेंडू
सामना गेला अनिश, अनिशने ठोकण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू येतो मिड विकेट रिजन मध्ये, इट्स अ बिग 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 सिक्सर। थैंक यू डीजे। अपने पहतो धाव संख्य सहाची पर धाव संख्य धावन पोचले बेचालीस वर येणारे सहा चेंडू आणि दहा धावांची गरज असणार आहे दिलदार बागदांडा संघाला। पाहूया कोण षटक हाताळणार चौथे षटक। आपण पाहतोय अप्रतिम फलंदाजी अनिशाच्या मार्फत आतापर्यंत पाच चेंडूचा सामना केला आणि चार षटकार ठोकलेत। वैयक्तिक चोवीस धाव संख्येवर खेळतोय, पाच चेंडू मध्ये चोवीस धावा, आपल्या संघासाठी नक्कीच तारणहार ठरणार आहे फलंदाज। येणारे सहा चेंडू आणि दहा धावांची गरज। पाहूया शेवटचं षटक कोण हाताळणार जनमन धोकडे संघाकडून। नक्कीच प्रेशर वाली मॅच आपण पाहतोय, हृदयाचे ठोके उडवणारी मॅच ही। जनमन धोकडे वरचे दिलदार बागदांडा या दोन संघादरम्यान लवकरात लवकरच सुरुवात करायची आहे सामन्याला, माझी विनंती असेल। येणारे सहा चेंडू आणि दहा धावा, अप्रतिम सामना आपण पाहतोय। जनमन धोकडे वर्सेस दिलदार बागदांडा या दोन संघादरम्यान येणारे सहा चेंडू आणि दहा धावांची गरज। स्ट्राईक एंड आपण पाहतोय फलंदाज करण असणार आहे, नॉन स्ट्राईक एंडवर आपण पाहतोय अनिश, एक धुवाधार विस्फोटक फलंदाजी अनिशाची आपण पाहिलंय। पाच चेंडू मध्ये चोवीस धावा कुठल्या, अप्रतिम फलंदाजी चार षटकारांच्या सहाय्याने धावा कुठल्या त्याने, कोणती सिंगल रन नाही, चौकार नाही, पाच चेंडू मध्ये चोवीस धाव संख्येवर खेळतोय। पाहूया शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय अतुल स्ट्राईक एंडवर आहे करण, येणारे सहा चेंडू आणि दहा धावा। धाव संख्येचा विचार केला तर धाव संख्या बेचाळीस झालेली आहे, बावन धावांचं लक्ष समोर आहे। अतुलचा हा चेंडू करणसाठी, करण मारण्याचा प्रयत्न करतोय, चेंडू आपण पाहतोय वेस्टच्या खूपच बाहेर, पंच सांगतायत इट्स अ वाईट डिलिव्हरी। अशा तऱ्हेने धाव संख्येत एकची भर पडलंय, धाव संख्या धावून पोहोचलंय 43 43 धावा। अतुलचा हा चेंडू करणसाठी पुन्हा एकदा सफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न करतोय, पुन्हा एकदा पंच सांगतायत की हा व्हाईट चेंडू आहे, लगातार दोन चेंडू व्हाईट करतोय, खरोखरच खराब गोलंदाजी मी म्हणेन। सहा चेंडू मध्ये दहा धावा असताना लगातार दोन चेंडू व्हाईट करतोय अतुल। धाव संख्येत दोनची भरपड एकची भर पडलंय, धाव संख्येत जाऊन पोहोचले 44 वर। येणारे सहा चेंडू आणि आठ धावा, करण टोकण्याचा प्रयत्न करतोय, झेल होऊ शकतोय, फलंदाज क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा होत आहे फलंदाज। थँक यू डीजे। आपण पाहतोय जोरदार मारण्याचा प्रयत्नामध्ये पूर्णपणे असफल झाला आणि चांगलं कमबॅक आपण पाहिलं अतुल याचं, लगातार दोन चेंडू व्हाईट केले होते, त्यानंतर आपण पाहिलं चांगला कमबॅक केला तो म्हणजे अतुल याने, फलंदाजला बाद करण्यात यश आलंय। येणारे पाच चेंडू आणि आठ धावांची गरज। धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आपण धावफलक पाहतोय 44 वर जाऊन थांबलाय। पाहूया अतुल सामना करेल तो धुवाधार हार्ड हिटर फलंदाज आपण पाहतोय अनिश याला, आतापर्यंत चार षटकार ठोकलेत त्याने, पाहूया त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे अनिश याच्या खांद्यावर। पाहूया अतुलचा हा चेंडू सामना करेल तो अनिश, अनिशाने ठोकलाय
वन बाउंस फॉर चौकार। थैंक यू डीजे। आता मात्र पूर्णपणे समीकरण बदललंय। येणारे चार चेंडू आणि चार धावांची गरज। अप्रतिम फलंदाजीचा नमुना स्पष्ट करताना आपण पाहतोय। अनिश याला आतापर्यंत 28 या धाव संख्येवर वैयक्तिक 28वा कुठल्यात त्याने आपल्या संघासाठी 6 चेंडू आणि 28 धावा कुठल्यात। एक धुवाधार फलंदाजी आपण पाहतोय अनिश याच्या मार्फत। त्याचा होम ग्राउंड नक्कीच आहे, त्याचाच फायदा त्याने उचललाय आणि चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करताना आतापर्यंत पाहतोय अनिश याला। अतुलचा हा चेंडू सामना गेलतो अनिश, अनिश ठोकण्याचा प्रयत्न करतो। आता मात्र गोलंदाजी कम बॅक करताना पाहतोय, मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलाय आणि लेग पायच्या स्वरूपामध्ये रन येते। पण जर आम्हाला इशारा करून सांगतायत बॅट कट, बॅट कट होती। एक धाव धावून घेतली। येणारे तीन चेंडू आणि तीन धावाची गरज। माझी विनंती असेल कंपल्सरी चेसिंग आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे, कंपल्सरी धावा चेस करायच्या आहेत हे दोन फलंदाजांनी लक्षात घ्यायचं आहे। येणारे तीन चेंडू आणि तीन धावांची गरज। हाय व्होल्टेज सामना आपण पाहतोय। येणारे तीन चेंडू आणि तीन धावा। सहा चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज असताना सामना येऊन ठेपलाय तो, म्हणजे तीन चेंडू आणि तीन धावांची गरज। आता मात्र प्रेशर असणार आहे ते म्हणजे फिल्डिंग करणाऱ्या टीम वर आणि फलंदाजावर सुद्धा। तीन चेंडू आणि तीन धावांची गरज। आपण पाहतोय फलंदाज भूषण उर्फ मुन्ना। अतुलचा हा चेंडू उद्वेष्टीच्या खूपच बाहेर, पंच सांगताय इट्स अ वाईट डिलिव्हरी। धावसंख्येत एक ची भर पडलंय। धावसंख्या आपण पाहतोय 50 झालेली, ती म्हणजे दिलदार भागदांडा संघाची। अजूनही दोन धावांची गरज असणार आहे सामना विजय करण्यासाठी। अतुल आपल्या बॉलिंग मार्कवर, अतुलचा हा चेंडू सामना गेला तो मुन्ना। पण पाहतोय पुन्हा एकदा व्हाईट डिलिव्हरी करतोय गोलंदाज, खराब गोलंदाजी आपण पाहिली अतुल याची। लगातार दोन चेंडू व्हाईट केलेत, धावसंख्येत एक ची भर। आपण पाहतोय लेवल झाले स्कोरची, 51 धावा झाल्यात, एका धावेची गरज असणार आहे। तीन चेंडू आणि एक धावेची गरज। पूर्णपणे सामना आपल्या खिशात घालताना आपण पाहतोय दिलदार बागदांडा संघ। अतुलचा हा चेंडू सामना येतो भूषण, भूषण खेळू काढला चेंडू जातो सीमारेषा पार चौकार। दिलदार बागदांडा संघ विजय होतोय।